डीएवी क्लास 7 साइंस बुक का जो तीसरा चैप्टर है केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं सम मैटर क्या होता है और इसका क्या नेचर होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ जो स्थान ग्रहण करता है, जिसका मास होता है, जिसका वॉल्यूम होता है, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। तो मैटर को 3 भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के रूप में जैसे हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं जिसका शेप नहीं बदलता है, जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, ये सॉलिड हो गया। लिक्विड हो गया जैसे वाटर हो गया, गैस हो गया जैसे एयर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस है। लेकिन ये जानना होगा कि जितने भी मैटर हैं ये सभी छोटे छोटे एटम्स के बने होते हैं, और कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो कंबाइन कर जाते हैं और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे वो एक एटम है लेकिन दो वो मिलके O2 बनाता है तो ये मॉलिक्यूल हो गया। उसी तरह हाइड्रोजन एक एटम है, एक और हाइड्रोजन इसके साथ मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्म करता है तो AH2 हो गया। ठीक, तो एटम्स कंबाइन होता है मॉलिक्यूल में, क्योंकि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट कर सकते, लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं इनर्ट गैसेस जैसे हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसी तरह के अन्य गैसेस हैं। ठीक है, तो एक बात आती है, टर्म दिया हुआ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस जैसे हम लोग देखते हैं कि नहीं, कोई भी चीज़ लाते हैं सामान बाजार से, कहते हैं वो प्योर है। जैसे नमक लाए तो कहते हैं प्योर साल्ट, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में वैसा नहीं माना जाता है। केमिस्ट्री में प्योर तब कहते हैं जब उसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। यदि अलग तरह के पार्टिकल्स हैं तो उसे हम लोग प्योर नहीं कह सकते। जैसे जूस, अब उस जूस में लेमन भी है और वाटर भी है तो उसे हम प्योर नहीं कहेंगे। ठीक है, मतलब पार्टिकल सेम होना चाहिए तो हम लोग प्योर कहेंगे। जैसे ऑक्सीजन, यदि कोई गैस है जिसमें केवल ऑक्सीजन है तो इसे हम लोग प्योर कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे, उसमें पढ़ते हैं इसमें क्या है। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ एटम्स ऑफ सेम काइंड, मतलब ऐसा एलिमेंट एक ही तरह के एटम्स के बने होते हैं उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। ऐसा सब्सटेंस जो एक ही तरह के होते हैं, जैसे हो गया आयरन, हो गया क्लोरीन, हो गया हाइड्रोजन, हो गया एक ही तरह का, तो इसे हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड्स जैसे होता है, हम लोगों ने देखा कंपाउंड ये देखो H2O, ये क्या है? कंपाउंड है। इसमें दो एटम्स कंबाइन हुए और एक कंपाउंड का फॉर्म किए, जैसे NH3 जिसे अमोनिया कहते हैं, HCl, ये सब क्या है? कंपाउंड है। इसमें दो एटम्स कंबाइन हुए हैं कंपाउंड का फॉर्मेशन के लिए, ताकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। अब बात आती है तो क्या मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर और कंपाउंड, अब देखो दोनों में अंतर होता है। कंपाउंड और मिक्सचर में क्या अंतर होता है ये समझना पड़ेगा। देखो कंपाउंड में क्या होता है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के बीच केमिकल बॉन्डिंग है, दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, ये फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो वाटर है, यदि फिजिकल प्रोसेस से अलग कर दिया जाता तो हर कोई ऑक्सीजन इससे निकाल लेता, और अभी कोरोना के महामारी में ऑक्सीजन का यूटिलाइज कर लेता, लेकिन वैसी बात नहीं है। ये बहुत ही डिप केमिकल प्रोसेस होता है और जो जटिल प्रोसेस होता है। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है? सिर्फ मिला हुआ, मान लो मिक्सचर बनाना बहुत आसान, सैंड प्लस वाटर, ये भी क्या मिक्सचर है। सैंड में राइस मिला दो, ये भी मिक्सचर है। लेमन वाटर,
ये सब सभी मिक्सचर हैं, चूंकि वहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, दोनों इसके कंपोनेंट्स मीन्स इसके कंस्टिट्यूएंट्स अपने प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जैसे हम लोग साल्ट ले लिए NaCl, साल्ट जिसे हम लोग खाते हैं वो NaCl होता है और ये वाटर होता है। इसे हम लोग डिजॉल्व कर दिए तो जो हम लोग का साल्ट वाटर बनेगा तो ये कोई रिएक्शन यहाँ नहीं हुआ है। हम लोग जब गर्म करेंगे तो वाटर अलग हो जाएगा, वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और साल्ट मिल जाएगा, तो इसे हम लोग मिक्सचर कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो कंपाउंड और मिक्सचर में हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया। और एक चीज़ और बात होती है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होने के बाद इसके कंस्टिट्यूएंट सपोज दैट H2+O2, ये हो गया H2, इसके कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं इसे रिएक्टेंट्स कहते हैं। इस कंपाउंड में रिएक्टेंट्स का प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है। ये देखो ऑक्सीजन गैस होता है वो जलने में हेल्प करता है, जबकि हम लोग वाटर से आग को बुझाते हैं, ठीक है बच्चे। उसी तरह H2+Cl2HCl, ये HCl में इसका प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। उसी तरह Na+Cl2NaCl। अब देखो सोडियम क्लोराइड हम लोग खाते हैं साल्ट, लेकिन क्लोरीन क्या है, जहरीला है। सोडियम को भी हम लोग मुंह में ले लेंगे हम लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड होता है इसके रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी से कंप्लीटली डिफरेंट होता है। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, यहाँ आप मिक्सचर में देखो, यहाँ हम लोग साल्ट और वाटर का मिक्सचर बनाए, तो ये साल्ट वाटर में आपको साल्ट का भी टेस्ट मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है। वाटर जिस तरह लगता है उसी तरह इसमें भी लगेगा। तो ये कंपाउंड और मिक्सचर में बहुत बड़ा अंतर होता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल एक्टिविटी दिया हुआ है कि एयर क्या होता है, आयरन क्या होता है, वाटर क्या होता है, सॉइल क्या होता है, लेमोनेट क्या होता है, गोल्ड क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है। तो जैसे आप लोग हम लोग जानते हैं एयर में बहुत सी गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और उस समय कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हुआ है तो मिक्सचर हो गया। आयरन, आयरन में केवल Fe होता है, प्योर है। वाटर भी प्योर हो गया चूँकि H2O हो गया। सॉइल, सॉइल हो गया, इसमें बहुत तरह के इसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, सिलिका होता है, सैंड होता है, मिक्सचर हो गया। लेमोनेट भी मिक्सचर हो गया, वाटर और लेमन वाटर का इस्तेमाल किया जाता है लेमन जूस का। गोल्ड प्योर हो गया, ऑक्सीजन प्योर हो गया। अब आता है केमिकल सिम्बॉल्स, हम लोग सिंबल का इस्तेमाल क्यों करते हैं। सबसे पहली बात, सिंबल का इस्तेमाल करने से हम लोग आसानी से भी कोई भी चीज़ लिख लेते हैं, अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना पड़ता है, अपना पेज वेस्ट नहीं करना पड़ता है। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन लिखने के लिए कितना लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, लेकिन यदि इसका एक सिंबल सिर्फ H लिख दिए तो हाइड्रोजन हो गया, ठीक। उसी तरह सोडियम, सोडियम के लिए सिर्फ Na लिख दिए, मैग्नीशियम Mg लिख दिए, एल्यूमिनियम Al लिख दिए, कैल्शियम Ca लिख दिए, पोटेशियम के लिख दिए, आयरन के लिए Fe लिख दिए। कितना आसान होता है। तो चूंकि केमिस्ट्री में हम लोग को रिएक्शन बार बार लिखना पड़ता है, हम लोग बार बार ये लिखेंगे हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो कितना टाइम लगा, लेकिन यदि केमिस्ट्री में देखो सिर्फ लगेगा हाइड्रोजन प्लस Cl2HCl, ठीक है, कितना आसानी से लिखा गया। ये आप देखोगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में रहता है, क्लोरीन भी मॉलिक्यूल के रूप में रहता है, और ये बना दिया हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है बच्चे। तो सिंबल का इस्तेमाल करने से बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कॉपर, कॉपर Cu, गोल्ड Au, सिल्वर Ag, कार्बन C, ऑक्सीजन O, सल्फर S, नाइट्रोजन N,
फॉस्फोरस पी, क्लोरीन सी एल, ब्रोमिन बी आर, आयोडीन आई। ये सभी बहुत बार आप देखोगे, चूंकि यहाँ क्लोरीन है तो सी एल, फॉस्फोरस है तो पी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है यहाँ देखो आप सिल्वर है तो यहाँ ए जी है। इसलिए ये आपको याद करना ही पड़ेगा, चूंकि कुछ ये सब जो लिखे गए हैं सिंबल्स इसके लैटिन नेम्स के आधार पर लिखे गए हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आपको याद करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आपको अपने याद आ जाएगा। अब आता है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये बताता है केमिकल फॉर्मूला कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं। जैसे वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। तो इसे क्या फायदा होता है केमिकल फॉर्मूला लिखने, देखो हम सीधे जान गए हाइड्रोजन का दो एटम ऑक्सीजन के एक एटम, इस तरह का इसमें रेशियो है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन का दो एटम है, सल्फर का एक एटम है, ऑक्सीजन का चार एटम है। तो ये बहुत सी जानकारी भी मिल जाती है और इसको लिखना भी आसान होता है। जैसे हम यदि लिख दिए सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, अब बताओ इसमें तुम ये भी नहीं जान रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड में कौन कौन एटम्स हैं, लेकिन जब आप ये देखोगे एस हाइड्रोजन है, हाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का दो एटम ठीक है, सल्फर का एक एटम, ऑक्सीजन का चार एटम, ये सब मिलके एक सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। इसीलिए केमिकल फार्मूला हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह CO2, ये देखो कार्बन एक है, ऑक्सीजन का दो एटम है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सिंगल ऑक्सीजन रहा तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल प्लांट्स करता है अपना भोजन बनाने के लिए, ठीक है बच्चे। अब आगे आती है बात हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको केमिकल फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। एक केमिकल बॉन्डिंग के आधार पर केमिकल फार्मूला का निर्माण होता है। जैसे मान लो जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, पेज पलट के बता रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में छः इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार पाँच छः, उसी तरह हाइड्रोजन के भी एक होते हैं। इसको अलग से सिंबल से भी दिखा सकते हैं हम लोग, ताकि ये जान जाएंगे कि ये हाइड्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही होता है। अब ये देखो यहाँ एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ऑक्सीजन भी इसका ले सकता है। आप देखो इस तरह एक केमिकल फॉर्मेशन का, केमिकल बॉन्ड का निर्माण होता है HOH, इसी को हम लोग दिखा कर देते हैं H2O। तो आपको उतना डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है, आप हायर क्लास में जाओगे 8 में 9 में तो आपको पढ़ना है, इसलिए आपको ये सब याद कर लेनी है, ठीक है। HNO3, ठीक है, ये सब आपको लिखना है। उसके बाद अब बात आती आयंस, आयंस क्या होते हैं, ये देखो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव माना जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है नेगेटिव माना जाता है। और ये देखो NaCl, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास 7 1 2 3 4 5 6 7। अब इस सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको परमानेंटली दे देता है, उसके बाद इसको कोई मतलब नहीं है, और क्लोरीन उसको परमानेंटली ले लेता है। तो चूंकि चार्ज यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया,
तो सोडियम पार प्लस चार्ज आ गया और क्लोरीन पार माइनस चार्ज आ गया। अब आप सोचोगे ये चार्ज क्यों आ गया, पहले तो चार्ज नहीं था सोडियम पर। देखो बच्चे, किसी भी एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है, ठीक है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर था तो, और दोनों में चार्ज अपोजिट होता है, दोनों में चार्ज अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। तो चूंकि प्रोटॉन तो नहीं गया, चूंकि प्रोटॉन जो होते हैं किसी भी एटम्स के सेंट्रल में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वहीं पर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ प्लस चार्ज हो गया। और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, प्रोटॉन तो नहीं लिया ना, इसलिए इसमें क्लोरीन पर माइनस चार्ज हो गया, ठीक है बच्चे। तो चार्ज का फॉर्मेशन, तो चार्ज का फॉर्मेशन वही होता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली दे देता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। तो इसको हम लोग हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब सोचोगे किसी में डबल चार्ज होता है, किसी में सिंगल चार्ज होता है, ऐसा क्यों होता है? तो बच्चे देखो, जो दो इलेक्ट्रॉन देता है डबल चार्ज हो गया। जैसे देखो सोडियम, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसलिए सोडियम प्लस चार्ज हो गया, वन इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। उसी तरह मैग्नीशियम, इसके आउटरमोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन दिया और जैसे दो इलेक्ट्रॉन दिया ये हो गया टू प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन को भगाओ और प्लस चार्ज पाओ, इलेक्ट्रॉन को लो और माइनस चार्ज पाओ। उसी तरह एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाहर में तीन इलेक्ट्रॉन थे, तीनों इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, और जिसको दिया जैसे इसको दिया, अब इसके पास देखो थ्री प्लस चार्ज। अब सोचोगे कैल्शियम के पास, कैल्शियम के पास भी दो इलेक्ट्रॉन था बाहर में, दो इलेक्ट्रॉन दिया, माइनस साइन का दिखाता है कि दे दिया। अब ये देखो क्या हो गया, टू प्लस चार्ज, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसने भी दिया प्लस चार्ज, वन प्लस नहीं लिखते हैं क्योंकि वन ही है। कॉपर, कॉपर के पास भी दो इलेक्ट्रॉन था, इसने दो दिया और तुरंत पॉजिटिव पाया चार्ज, टू प्लस, ठीक है बच्चे। आयरन, आयरन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन था, अब ये देखो दो इलेक्ट्रॉन दिया वैसे ही दो प्लस पाया, ठीक है बच्चे। जिंक, जिंक के पास भी दो इलेक्ट्रॉन था बाहर में, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप हायर क्लास में पढ़ोगे, यहाँ देखो टू प्लस चार्ज आ गया। अमोनियम, ये देखो अमोनियम है ना, अमोनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन दिया हो गया NH4। तो देखो इलेक्ट्रॉन को दो और माइनस चार्ज पाओ, अब बात आती है नेगेटिव माइनस प्लस चार्ज पाओ, अब बात आती है तो माइनस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन को लोगे तो माइनस चार्ज बन जाएगा। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन एक लिया तो Cl माइनस हो गया। ऑक्सीजन दो लिया तो ये हो गया टू माइनस चार्ज, ठीक है बच्चे। हाइड्रोक्साइड एक लिया OH माइनस हो गया। कार्बोनेट CO3 2, ए CO3 ए टू माइनस, इसने मतलब दो लिया। उसी तरह सल्फेट, सल्फेट का दो लिया। नाइट्रेट NO3 एक लिया, ठीक है। एसीटेट CH3 CO, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। इसी तरह फॉस्फेट PO4 3- एक इलेक्ट्रॉन लिया। अब देखो इलेक्ट्रॉन देने पर पॉजिटिव चार्ज,
इलेक्ट्रॉन लेने पर नेगेटिव चार्ज। तो देता वही है जो देने लायक है, लेता वही है जो लेने लायक है। जैसे आप देखो सोडियम क्लोराइड NaCl, तो दिया कौन? सोडियम, लिया कौन? क्लोरीन। MgCl2 यहां देखो, ठीक है, AlCl3, ठीक ठीक है बच्चे। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट HCl, ठीक है, कॉपर सल्फेट, एक देने वाला है और एक लेने वाला। ये लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हो देने वाला, राइट साइड जो देख रहे हो आप लेने वाला, ठीक है बच्चे। तो वही इसके बारे में बताया गया है, इसका चार्ज के बारे में, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, है ना। पॉजिटिव चार्ज वाला को हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज वाला को हम लोग राइट साइड लिखते हैं। जो शुरू में लिखते हैं वो मेटल होते हैं, राइट में लिखते हैं वो नन मेटल होते हैं। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को देना, नन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लेना, ठीक है बच्चे। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए हो अभी तक। तो देखो मैंने कहा था ना, ये जो कैसे कम मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। देखो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये चाहता है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे, उससे दोस्ती करे, लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि सोडियम एक ही दे सकता है। इसलिए क्या करता है, दो सोडियम मिल जाता है, दो सोडियम मिल जाता है और एक ऑक्सीजन को दे देता है। तो सोडियम भी खुश हो गया, ऑक्सीजन भी खुश हो गया, दोनों खुश हो गया, दोनों जितना चाहिए मिल गया। सोडियम देना चाहता एक, ऑक्सीजन करता हम जब भी लेंगे दो लेंगे, तो इस सोडियम एक सोडियम को और बुला लिया, दो सोडियम मिलके यहाँ हो गया। उसी तरह देखो एल्युमिनियम सल्फेट में, एल्युमिनियम चाहता है कि मैं तीन दूँ, सल्फेट चाहता मैं दो लूँ, तब क्या करेगा, एल्युमिनियम दो ठो आ जाएगा, दो एटम, तो हो जाएगा तीन दूनी छः, सल्फेट तीन आ जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा द्वितीय छः। अब दोनों बराबर हो गया, दोनों खुश हो गया। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम चाहता है कि मैं दो दूँ, कार्बोनेट चाहता है मैं दो लूँ, तो इसमें कोई टेंशन नहीं, फटाफट रिएक्शन बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चे। तो यहाँ तक हो गया। हम लोग आगे की वीडियो में केमिकल चेंजेज पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको कोई भी दिक्कत हो, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा। तो मैं अब एंड करता हूँ।